अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके तैयार होती है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ में तकरीबन 3 से 4 ग्लास पानी ऐड किया है। अब हम इसमें 1/2 कप सिरका ऐड करेंगे। चिली पेस्ट मैं यहाँ ऐड करूँगी 1/2 कप। नॉर्मल मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्च लेके इसे ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हल कर लेंगे। अब हम इसमें तमाम चिकन के पीस ऐड कर देंगे। चिकन को हमने अच्छे से कट लगा लिया है, डीपली कट लगाने हैं ताकि तमाम मसाले इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए तमाम मसालों का इसमें। और ये बहुत जूसी बन के तैयार होती है, बहुत टेंडर हमारा ब्रोस्ट बन के तैयार होगा। तो इसे हम तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए सोक करके रख देंगे। इसे हम फ्रिज में रखेंगे तो 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम तमाम चिकन को निकाल के एक बाउल में रख देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके लाइक का बटन प्रेस कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। लेमन जूस हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून। इसी भी लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसी काली मिर्च यहाँ ऐड कर दी है तकरीबन 1 टीस्पून। नमक हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। सोया सॉस हमने यहाँ पे ऐड किया है 2 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। गार्लिक पेस्ट हमने यहाँ पे ऐड किया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो गार्लिक पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम अच्छे से तमाम मसालों को चिकन में मसाज कर लेंगे। अच्छे से हमने इसके डीपली कट के अंदर मसालों को लगाना है ताकि हमारा चिकन ब्रोस्ट बहुत ही जूसी और टेंडर बन के तैयार हो। तो देखें अच्छे से मसाले हमने इसमें मैरिनेट कर दिए हैं। अब हम इसे प्लास्टिक रैप करके तकरीबन ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे 1 घंटा या 1/2 घंटा भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो अच्छे से हम इसे रैप करके रख देंगे। तो देखें चिकन यहाँ पे अच्छे से मैरिनेट हो गई है। ये बहुत ही मज़ेदार ब्रोस्ट बन के तैयार होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो मैंने यहाँ में तकरीबन 2 कप मैदा ले लिया है। अब हम चिकन में अच्छे से कोटिंग कर लेंगे मैदे की। बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसको प्रेस करना है। ध्यान रहे सख्त हाथों से हम अगर इसे प्रेस करेंगे तो चिकन पे मैदे की बॉल बन जाएगी जो इसे हार्ड कर देगी। तो इसलिए हमने बहुत ही हल्के हाथों से उंगलियों की मदद से इसको कोटिंग करनी है। हल्के हल्के हाथ से प्रेस करेंगे ताकि इसके क्रम्स अच्छे बने। अब हम इसे नॉर्मल वाटर में डिप कर देंगे। अब हम इसे वाटर से निकाल लेंगे और दोबारा से मैदे की कोटिंग करेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से हम इसे दोबारा से प्रेस करेंगे ताकि इसके क्रम्स बहुत अच्छे से बने और ये सॉफ्ट बन के तैयार हो। तो देखिए हल्के हाथों की मदद से इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखें कितने अच्छे से क्रम्स बन गए हैं इसके। यहाँ मैंने ऑयल अच्छे से गरम कर लिया था। ध्यान रहे ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए। अगर ऑयल ठंडा हुआ तो तमाम कोटिंग हमारी बिखर जाएगी, उतर जाएगी।
तो एक एक करके हम इसमें तमाम पीस ऐड कर देंगे। तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट हमने हाई फ्लेम पे कुक करना है। फिर हम इसे लो फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। दोनों साइड से हम इसे अच्छे से कुक करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए। 10 मिनट हो गए थे, अब मैं इसे टर्न कर लूँगी। टर्न करके हमें इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट कुक करना है लो फ्लेम में। अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम होगी तो चिकन हमारी जल जाएगी, बहुत ज़्यादा हार्ड कलर आ जाएगा और गलेगी भी नहीं। तो देखें, यहाँ पे हमारा चिकन ब्रोस्ट बन के तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बन के तैयार होती है, इसका जायका भी बहुत मज़ेदार होता है। आप इसे ट्राई करके मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। ये बहुत मज़ेदार ब्रोस्ट बन के तैयार होता है, तो इसे आप डिनर पे भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना मज़ेदार सा ब्रोस्ट बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही टेंडर और जूसी बन के तैयार हुआ है, बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर होता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।